क्या आप भी सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ रहे हो या आने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, आपको ट्रिप कितना मिलता है और आपके महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ रहे हो या आने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों अलजेरिया ट्रांसपोर्ट बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट, और इसका हेड ऑफिस रियाद में है। और दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 1989 में रियाद क्षेत्र के भीतर ईंधन के परिवहन के लिए कुछ कर्मचारियों और ट्रकों के साथ हुई थी। और दोस्तों इस कंपनी के पास यानी एक साल में 1990 में 300 से अधिक गाड़ियां इसके पास हो गई थी। और दोस्तों इस कंपनी के पास अभी के टाइम हज़ारों की संख्या में गाड़ियां हैं, बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़ा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसके पास जैसे टंकी है, ग्लाफ है, लोबट है, सत्ता है, तलाजा है और डायना है, यानी इसके पास हर प्रकार की गाड़ी है और हज़ारों की संख्या में गाड़ियां इसके पास। और दोस्तों इसमें कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1500 प्लस ट्रिप लगती है और महीने भर में 4000 से लेके 5000 तक बना लेते हैं ड्राइवर लोग, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना ट्रिप लगाओगे उतनी आपकी सैलरी आएगी, लेकिन अगर मिनिमम भी माने तो आपकी 4500 तक आपकी सैलरी आ जाए। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि भाई ये रिटर्न लेती है या फ्रेश लेती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये रिटर्न भी लेती है, फ्रेश भी लेती है, दोनों को लेती है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे लाइसेंस के बारे में। अगर अलजेरिया ट्रांसपोर्ट में कोई नया बंदा आता है तो उसको कंपनी लाइसेंस बनाकर देती है या आपको बनाना पड़ता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपको लाइसेंस कंपनी बनाकर देती है। जैसे आप शुरुआत में नए आते हो तो आपका एक डेढ़ महीना तो अकामा बनने में लग जाता है, उसके बाद आपके लाइसेंस की फाइल लगाई जाती है, यानी आपको 3-4 महीने के अंदर कंपनी लाइसेंस बनाकर देती है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे जैसे आप कोई ट्रिप पर जा रहे हो, जैसे मान लो आप दमाम से रियाद जा रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो दोस्तों इसकी सूचना आपको फ़ोन करके कंपनी में देनी पड़ती है, कंपनी के वर्कशॉप से बंदे जाते हैं और आपकी गाड़ी को तैयार कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि अगर अलजेरिया ट्रांसपोर्ट में कोई नया बंदा आता है तो उसको कितने दिन के बाद छुट्टी मिलती है और कितने दिन की मिलती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अलजेरिया ट्रांसपोर्ट में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल बाद में आपको छुट्टी मिलती है, आपको 42 दिन की लीव इन सैलरी मिलती है, साथ में आपको आना जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको बोनस मिलता है और आपको 3-4-5 महीने की छुट्टी मिल जाती है। और दोस्तों अलजेरिया ट्रांसपोर्ट में अगर आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो कंपनी आपको इमरजेंसी छुट्टी दे देती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब के अलजेरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया। दोस्तों इस कंपनी की इंटरव्यू आपके आसपास कहीं चलती हो तो इसमें आप बेधड़क आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।